Hello to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 21 July of 2020 and it's a Tuesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं. कल अच्छा लगा, कल काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, आंसर देने की कोशिश की. सब लोग ने आंसर दिया, हमें अच्छा लगा. और भी लोग आंसर करें, जो लोग देखते हैं सभी लोग आंसर करें इनका, जो क्वेश्चन शुरू में पूछते हैं और जो बीच में एनालिसिस के पूछते हैं. कुछ लोग शुरू के दे देते हैं, बीच के एनालिसिस में जो क्वेश्चन होते हैं उनके जवाब नहीं देते. तो प्लीज़ सब क्वेश्चनों का जवाब दीजिए, कमेंट में हमें अच्छा लगता है हर जब आप लोग कमेंट करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन है कि गिर नेशनल पार्क जो है, गिर नेशनल पार्क, उसको नेशनल पार्क कब स्टैब्लिश किया गया कि वो नेशनल पार्क है, उसको नेशनल पार्क कब बनाया गया है. आपको ईयर बताना है कि किस ईयर में उसे नेशनल पार्क बनाया गया है और कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब उसे बनाया गया है. इन दो, ये जो दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में आते हैं कि नेशनल पार्क कब बनाया गया है, गिर नेशनल पार्क को, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कब बनाया गया है, किस ईयर में, ईयर का नाम आपको बताना है. दूसरा क्वेश्चन आता है माई कंट्री माई लाइफ, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है. माई कंट्री माई लाइफ, ये इसके ऑथर कौन है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. तीसरा क्वेश्चन आता है सेबी. सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, वो कहते हैं बताना है कि कब उसे, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, आपको ये बताना है सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ पे है. चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं. आप इस वीडियो को क्या कहते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्रुप में क्या कहते हैं, शेयर जरूर करें, जिससे ऑडियंस बढ़े हमारी और लोग भी कमेंट करें और लोग भी जानें कि एनालिसिस क्या कहते हैं, एनालिसिस पढ़ सकें यहाँ से. चलिए आज की पहली न्यूज़ जो देखेंगे वो है यूके वैक्सीन प्रॉम्प्ट्स प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इन अर्ली टेस्ट. कि इसमें कहा गया है कि यूनाइटेड किंगडम की एक वैक्सीन है, उसमें प्रोटेक्टिव इम्यून दिखाया, रिस्पॉन्स मिला है कि प्रोटेक्टिव इम्यून का, ऐसा इसमें बताया गया. जो शुरुआत के टेस्ट है उसमें प्रोटेक्टिव इम्यून बताया गया. इसमें कहा गया साइंटिस्ट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है कि शुरू के ईयर में जो ट्रायल थे, अर्ली ट्रायल जो थे, उनमें हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स पर के ऊपर ये शॉट किया गया था ये वैक्सीन, और क्या कहते हैं अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और एक प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम उनका हो गया है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग इम्यून सिस्टम हो गया, ऐसा बताया गया कि इस वैक्सीन के कारण. चलिए ये अच्छी बात है क्योंकि COVID-19 बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जितने जल्दी हमारी वैक्सीन बढ़ेगी बनेगी उतना ही जल्दी हमें उसका क्योर प्राप्त होगा, और क्या कहते हैं इन्फेक्शन कम होंगे, लोगों की डेथें भी हो रही है, तो इससे हम रोक पाएंगे वैक्सीन के कारण, तो वैक्सीन जल्दी बनना बहुत ज़रूरी है. चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग. अगली न्यूज़ आती है 6 मंथ लेटर MHA गेट टू फ्रेम रूल्स ऑन CAA. जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है उसने क्या कहते हैं 6 महीने बाद उसे रूल बनाने का मिल गया है CAA के ऊपर, अब वो रूल बना सकता है, ऐसे इसमें बताया गया. चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं MHA को, देख लेते हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को अलग से. आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं Question247, या डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो है वो सब चीज़ देखता है, जैसे मल्टीफेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके पास, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी होगी, बॉर्डर मैनेजमेंट हो गया, सेंटर स्टेट रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, मैनेजमेंट ऑफ सेंटर आर्म फोर्सेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब पर वो अपना ध्यान रखता है और इन पर अपनी ड्यूटी रखता है. उसके पास कई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, का बहुत ज़्यादा वर्क होता है एक मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के जो मिनिस्टर होते हैं उनके ऊपर. द टर्म्स ऑफ एंट्रीज 1 एंड 2 ऑफ लिस्ट 2, स्टेट लिस्ट जो आती है 7th शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंदर आता है पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट की. लेकिन आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजॉइन द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन. कि आर्टिकल 355 के द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके द्वारा, सेंटर की ड्यूटी होती है कि वो स्टेट को हर जो बाहरी दिक्कतें हैं उनसे बचाए, क्या कहते हैं आर्टिकल 355 के अंदर आता है. इन परसेंट ऑफ दिस ऑब्लिगेशन द मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री मॉनिटर द इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन. कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स सारे इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन होते हैं उन पर ध्यान रखता है, और अगर कोई दिक्कत हो तो उस पर भी अपना क्या कहते हैं उसके ऊपर भी खिलाफ वर्क करता है. मैन पावर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट भी देखता है, गाइडेंस एक्सपर्टीज भी देता है स्टेट गवर्नमेंट को उनकी सिक्योरिटी बनाने रहने के लिए, पीस रहे स्टेट में, हारमोनी रहे, तो इसलिए ये वर्क करता है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स. चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग. अगली न्यूज़ आती है वर्क बोर्ड टीम टू एक्सेस डैमेज टू मॉस्क जोन. कि वर्क बोर्ड ने कहा जो मॉस्क का, जो मस्जिद का दिक्कत डैमेज हुआ है उसको क्या कहते हैं उसके उसका देखा जाएगा, वर्क बोर्ड टीम पूरा एक्सेस करेगी और पूरी फंडिंग वर्क बोर्ड ही देगी, ऐसे इसमें कहा गया.
इसे बताया कि द दिल्ली वर्क बोर्ड ऑन मंडे सेट अप अ टेक्निकल टीम टू इंस्पेक्ट द डैमेज कॉज बाय हैवी रेन एंड लाइटनिंग, कि एक दिल्ली वर्क बोर्ड जो है उसने एक टीम बनाई है, टेक्निकल टीम, जो देखेगी सारे डैमेजेस को जो कहते हैं रेन और लाइटनिंग के कारण हुए हैं. मस्जिद जो है, मस्जिद मुबारक बेगम जो बाजार हौज गाजी में है, उसके सारे डैमेज को देखेगी. जो मस्जिद है मुबारक बेगम, ये लगभग 200 साल पुरानी मस्जिद है और काफ़ी पुरानी है, और इसका पूरा ध्यान वर्क बॉडी रखता है. चलिए हम लोग वर्क क्या होता है, वर्क और ये वर्क बोर्ड, इसको देख लेते हैं हम लोग अलग से. वर्क प्रॉपर्टी गिवन इन द नेम ऑफ द गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट. कहते हैं वर्क का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो भगवान के नाम पर दी गई हो, वर्क गॉड के नाम पर दी गई हो, किसी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज़ के लिए उसे वक्फ कहा जाता है. लीगल टर्म्स में परमानेंट डेडिकेशन बाय पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम ऑफ एनी मूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पज रिकॉग्नाइज बाय द मुस्लिम लॉ एज पियस रिलीजियस और चैरिटेबल. कि किसी भी इस्लाम जो कोई भी इंसान है इस्लाम मानता है, तो अगर वो उसकी प्रॉपर्टी किसी बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस या चैरिटेबल वर्क के लिए यूज़ हो सकती है तो उसे दे दिया जाता है रिलीजियस वर्क पर्पज़ के लिए. ये वर्क कैसे बना था? अ वर्क कैन बी फॉर्म थ्रू अ डीड और इंस्ट्रूमेंट और अ प्रॉपर्टी कैन बी डीम वर्क इफ इट हैज़ बीन यूज फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम. कि वर्क किसी भी चीज़ से बनाया जा सकता है, वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है अगर वो किसी किसी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज़ के लिए यूज़ की गई हो कई सालों तक. द प्रोसीड्स आर टिपिकली यूज टू फाइनेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ये इसीलिए फाइनेंस करता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ग्रेवयार्ड्स को, मॉस्क को, शेल्टर होम्स को ये वर्क बोर्ड फाइनेंस करते हैं. अ नॉन मुस्लिम कैन ऑल्सो क्रिएट, नॉन मुस्लिम भी वर्क बना सकते, बट इंडिविजुअल मस्ट प्रोफेस इस्लाम एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग द वर्क हैज़ टू बी इस्लामिक. कि कहते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है वो भी वर्क बना सकता है, वो भी क्या, लेकिन उसे सिर्फ एक शर्त है कि वो उसे इस्लाम उसे फॉलो करना चाहिए. इस्लाम फॉलो कर रहा हो तभी वह इस्लामिक के जो इस्लाम के ऑब्जेक्टिव है उसको फॉलो करता हो तभी वो वर्क बना सकता है. ये कब बना था वक्फ? ये गवर्न बाय द वक्फ एक्ट 1995, ये बना था वक्फ एक्ट जो 1995 का था, उसके बाद वक्फ बना था, एक सर्वे पास हुआ था उसके बाद इसे बनाया गया था. चलिए देख लेते हैं वक्फ बोर्ड को देख लेते हैं. ये इट इज़ अ ज्यूरिस्टिक पर्सन विद पावर टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर टू एंड टू ट्रांसफर एनी सच प्रॉपर्टी. कि वो उसके पास पावर होती है किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना और उसको ट्रांसफर भी करना किसी भी प्रॉपर्टी को, ये वर्क बोर्ड के अंदर आता है. द वर्क बोर्ड कैन सू और बी सूड इन अ कोर्ट एज रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल एंटिटी और ज्यूरिस्टिक पर्सन. कि वो सू और सूट भी कर सकता है किसी को भी अगर उसे ज्यूरिस्टिक अगर कोई दिक्कत हो तो. इसका कंपोजिशन क्या होता है? ईच स्टेट हैज़ अ वर्क बोर्ड. हर स्टेट में एक वर्क बोर्ड होता है जिसमें एक चेयरपर्सन होता है, दो नॉमनीज होते हैं फ्रॉम द स्टेट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, मुस्लिम लेजिस्लेटर होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, ये सब इसमें होते हैं. और क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज स्कॉलर्स भी होते हैं जो इस्लामिक थियोलॉजी के होते हैं, वो भी होते हैं. मिस्लिस्टिक ऑफ द वर्क विद एन एनुअल इनकम ऑफ और वर्क्स भी होते हैं विद जिनका एनुअल इनकम 1 लाख से ऊपर होता है, वो सब इसके मेंबर होते हैं. इसकी पावर और फंक्शन क्या होते हैं देख लेते हैं हम लोग. वर्क हैज़ अ पावर अंडर द लॉ, क्या कहते हैं, टू एडमिनिस्टर द प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने के लिए, टू टेक मेजर्स फॉर द रिकवरी ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी वर्क. की कोई वर्क की कोई प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई तो उसको फिर से रिकवरी करना, तो इसके ये सब इसके ऊपर इसके वर्क होते हैं. चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग. अगली न्यूज़ आती है, विलेज नियर गिर नेशनल सेंचुरी ऑप्ट फॉर 4 डे लॉकडाउन. कि जो एक गिर नेशनल पार्क जो है उसके पास जो गांव पड़ता है उसको उसमें वहाँ पे 4 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है. सासनगिर विलेज जो है जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो गिर नेशनल पार्क के गेटवे पे है और नेशनल पार्क सेंचुरी या नेशनल पार्क के गेटवे पे, वहाँ पे 4 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया है. इस कोविड पेशेंट कोविड-19 का जो स्प्रेड है इसके कारण, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है लोगों को और काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, इसलिए से वहाँ पे 4 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया है. चलिए हम लोग देख लेते हैं गिर नेशनल पार्क को अलग से. गिर नेशनल पार्क, ये गिर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के. ये इज़ द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लॉयंस. कि सिर्फ यही सिर्फ नेचुरल हैबिटेट है एशियाटिक लॉयंस का. इसे सेंचुरी नाम 1965 में बनाया गया और नेशनल पार्क 1975 में बनाया गया. इसमें लार्जेस्ट कॉम्पैक्ट ड्रैक्ट ऑफ एनी ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट इन द सेमी एरिड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. कि वेस्ट सेमी एरिड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया सिर्फ यही पर
ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट यहाँ पर है। यहाँ पर ये कई चीज़ों का कहते हैं हैबिटेट है, जैसे मैमल्स का, रेप्टाइल, बर्ड्स, इन सब का। ये हैबिटाइल्स है। ये गिर मालाधारी से भी लिंक करता है, जो मालाधारी जो थे ये रीजनल कोस्टल कंट्रीज थे जो गिर में रहते थे। इनके सेटलमेंट्स को नेसेस कहा जाता था। जो मालाधारी थे इनके नेक्स इनका जो सेटलमेंट जहाँ रहते थे उसको नेसेस कहा जाता था। वहाँ पे कई और नेशनल पार्क है गुजरात में, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, मेरीन नेशनल पार्क वहाँ पे है। एशियाटिक लॉयन भी है। एशियाटिक लॉयन क्या होता है? एशियाटिक लॉयन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथीरिया लियो पर्सिका। साइंटिफिक नेम इसका आप याद कर सकते हैं, एशियाटिक लॉयन का। किसी क्या कहते हैं यूपीएससी में ना आके किसी और क्वेश्चन किसी और एग्जाम में भी आ सकता है। कहते हैं कि इनका साइंटिफिक नेम पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। तो इनका हैबिटेट होता है एशियाटिक लॉयन का गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके थ्रेट्स क्या हैं? ये जैसे इन डिसीज के कारण वल्नरेबल टू डिसीज होते हैं ये सब। फॉरेस्ट फायर के कारण इनकी डेथ होने लगी है। कहते कैलमिटी हो गया, तो और क्या कहते हैं कोई पोचिंग, टूरिज्म, इन सब के कारण भी ये सब डेथ में आ रहे हैं। 2018 में कैनिन डिजिटल वायरस जो था वो क्या कहते हैं लगभग 25 लॉयन की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और 25 लॉयन मतलब बहुत ज़्यादा लॉयन है, एशियाटिक लॉयन बहुत कम है, वैसे भी कम बचे। इन्हें IUCN रेड लिस्ट में क्या कहते हैं इंडेजेंट बताया गया है। एशियाटिक लॉयन को IUCN रेड लिस्ट में, आप कमेंट सेक्शन में बताएं IUCN का फुल फॉर्म, कमेंट सेक्शन बताएं कि IUCN का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और प्लीज़ कमेंट जरूर करें, जो लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी साइट अपेंडिक्स वन के कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर आता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है रूल ऑफ मॉब लिंचिंग पॉइंट टू ब्रेक डाउन ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन सेवरल स्टेट। कि कहते हैं रूल ऑफ मॉब हो जाता है जो भीड़ भाड़ के कारण दिक्कतें होती हैं, उसके कारण काफ़ी दिक्कतें होती हैं और काफ़ी लोग इफेक्ट भी होते हैं, कि काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है मॉब में, भीड़ भाड़ में। तो इसे वही उसी के बारे में बताया गया, रूल ऑफ लॉ मॉब के बारे में इसमें बताया गया। द लिंचिंग ऑफ 3 पीपल एली कैटल थीव्स, जो कैटल थीव्स थे जो बांग्लादेश नेशनल्स ऐसा बताया गया है, उन्हें साउदर्न आसाम करीगंज डिस्ट्रिक्ट में जुलाई 18 को सेकेंड सच डिस्टर्बिंग इंसिडेंट रिसेंट वीक्स इन द एरिया। कि ऐसे ही मॉब का जो जनता का जो पूरी भीड़ होती है उसके कारण काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। मारा गया उन लोग लगभग, ये 43 साल का लड़का था जो बांग्लादेश नेशनल माना गया है, लिंच्ड इन पुतनी टी स्टेट जो कहते हैं 3 किलोमीटर दूर है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से। वहाँ पे पाया गया कि वहाँ पे उनकी बॉडीज पाई गई है, जो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने उनकी बॉडीज पाई है। क्या कहते हैं वो जो कैटल्स की चोरी कर रहा था, ऐसे इसमें पाया गया। इसमें एडिटोरियल में ये भी कहा गया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है 2017 का डाटा ऐसा बताता है कि अक्टूबर 2019 में आसाम हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रेट इन द वन ऑफ द हाईएस्ट क्राइम रेट्स इन द कंट्री। कि आसाम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्राइम रेट है इस वक्त, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है वो है आसाम। इसमें ये भी कहा गया है, इसमें ये भी कहा गया कि वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं सोशल मीडिया में। कोई भी दिक्कत हो, जैसे यही जैसे बहुत ज़्यादा चली गाय को बचाना, गाय हत्या, ये जो चलता है इसके कारण लोग पुलिस वाले भी इनको नहीं देखते और रूल ऑफ मॉब के चक्कर में जो है उसके ध्यान नहीं देते। और भीड़ में जो लोग मारते हैं, जैसे हमने कुछ साल पहले भी देखा था कि गाड़ी कोई गाय ले जा रहा था तो गाय हत्या समझ के उनको मार दिया था लोगों को, और पुलिस वाले कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया। तो ऐसा भी था, तो उसके वक्त भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। इसमें वही बताया गया पूरा। इसमें लास्ट में कहा गया है मॉब वायलेंस इंडीड डिफेम्स द कंट्री, दैट मस्ट बी अ स्ट्रिंगेस्ट इंटरवेंशन बाय द पुलिस टू ब्रिंग एन एंड टू दिस। कि जो मॉब वायलेंस होता है, जो भीड़ के तरह गुस्सा होता है, जो वायलेंस दिखाते हैं वो लोग जो इन चीज़ों के कारण, तो वो डिफेम करता है कंट्री के, कहते हैं जो पर्सनैलिटी है, जो एक फेमसनेस है उसको कम करता है। तो हमें पुलिस जो है उसको भी इसके अंदर कूदना होगा, और कहते हैं जो मॉब लिंचिंग होती है उससे बचना होगा, मॉब वायलेंस को रोकना होगा, ऐसे इसमें बताया गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं रूल ऑफ मॉब को देख लेते हैं। लॉ ऑन मॉब लिंचिंग कहते हैं लॉ कौन कौन से लॉ हैं उसके ऊपर। द स्प्रेड ऑफ इंसिडेंट लिंचिंग ऑफ द पास्ट हैज लेड टू द हाइटेंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती है उनके बीच में जो रूमर्स के कारण दिक्कतें होती हैं, और कहते हैं जो लोग बाहर आ जाते हैं काफ़ी ना कहते हैं
रिलीजन के नाम पे दंगा करते हैं, और कोई रूमर फैल गया तो उसके ऊपर दंगा करते हैं, इसके बारे में वही बताया गया है कि जैसे हमने देखा कि मणिपुर गवर्नमेंट जो है उसने केम ऑफ इट्स फर्स्ट लॉ, केम ऑफ इट्स लॉ अगेंस्ट लिंचिंग कि मणिपुर जो पहला था जो इस लिंचिंग कारण मॉब लिंचिंग के कारण पहला लॉ लाया था उसने 2018 में, द मणिपुर लॉ इज इन सिंक विद द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, कि उनका लॉ पूरा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अंदर था। इसमें पूरे में पूरे लॉ के बारे में बताया गया है। इट स्टेट द पुलिस ऑफिसर हु फेल्ड टू प्रिवेंट द क्राइम ऑफ लिंचिंग दिस आर लेबल टू इम्प्रिजन फॉर टर्म दैट मे एक्सटेंड फ्रॉम 1 to 3 ईयर विद अ फाइन लिमिट ऑफ, कि जैसे कोई पुलिस वाला देख लिया कि लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, और अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता है तो उसके उसको 1 से 3 साल तक की सजा कहते हैं, जेल की सजा हो सकती है, और क्या कहते हैं 50,000 का फाइन भी लग सकता है। ऐसा इसमें बताया गया कि कोई भी नोडल ऑफिसर, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नोडल ऑफिसर इसको इस क्राइम को जो मॉब लिंचिंग क्राइम होता है उसके खिलाफ कहते हैं उसे निगलेक्ट नहीं कर सकता, उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है, ऐसा इसमें बताया गया। इसमें यह भी कहा गया था लॉ रिक्वायर्स द स्टेट टू फॉर्मुलेट अ स्कीम फॉर रिलीफ कैंप्स, कि लॉ इस लॉ ये भी कहता है कि स्टेट को एक्शन लेना चाहिए और रिलीफ कैंप रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी बनाने चाहिए मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए। इसमें ये भी कहा गया वेस्ट बंगाल लॉ इज मोर स्ट्रिंजेंट एज प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट ऑफ लिंचिंग टू डेथ, कि जो वेस्ट बंगाल का लॉ सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि अगर लिंचिंग होती तो वहाँ पे डेथ भी वहाँ की पनिशमेंट हो सकती है, ऐसे इसमें कहा गया। इस पनिशमेंट विद डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट और फाइन ऑफ टू 5 लाख, वहाँ पे डेथ भी आपको पनिशेबल मिल सकती है, डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है, क्या कहते हैं उम्र कैद हो सकती है, या 5 लाख का फाइन भी लग सकता है आपके ऊपर। ये सब लॉ होते हैं मॉब लिंचिंग के ऊपर, आप पढ़ सकते हैं पूरा हमारे ग्रुप में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है मोर देन अ क्राइसिस अ चांस टू रिबिल्ड हेल्थ केयर, कि इस क्राइसिस को क्राइसिस समझने से ज़्यादा है कि हमें अपने हेल्थ केयर सेंटर्स को और बढ़ाना होगा, ऐसे इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड दिस कुड बी टू डिस एंगेज द कोविड-19 ट्रैकिंग मैकेनिज्म, कि पहला स्टेप होगा कि जो कोविड-19 का ट्रैकिंग मैकेनिज्म है उसमें थोड़ा चेंज लाना और थोड़ा अच्छे से उसको बनाना कि जिससे हम और स्प्रेड जो हो रहा है उसको रोक सकें। इसमें भी कहा गया इंस्टीट देयर शुड बी 733 डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्जन वेयर ईच वन इज़ अपडेटेड एंड रिपोर्टेड ऑन डेली बेसिस इन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, कहते हैं कि डेली बेसिस में रिपोर्टेड किया जाता है कुछ डाटा जो है 733 डिस्ट्रिक्ट का, और उसमें पता चलता है कि कितना स्प्रेड हो रहा है, इसमें बात की थी। इसमें यह भी कहा गया सिग्निफिकेंट स्टेप इन दिस डायरेक्ट कुड बी डिस्कारिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट डीएम्स होते हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो उनको भी अपना एक्शन लेना होगा, जो ये कोविड-19 का भी डेथ हो रही है और भूख के मारे भुखमरी के कारण भी डेथ हो रही लोगों की, क्योंकि इसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो माइग्रेंट वर्कर्स थे इधर से उधर गए हैं, अपने होम स्टेट गए हैं, तो वहाँ लोगों को खाने की सुविधा नहीं है क्योंकि वो सब वहाँ बहुत सालों से नहीं रह रहे थे, तो ऐसी दिक्कतें आ रही तो उन्हें भूख से भी झेलना पड़ा है, तो लोग भूख से भी मर रहे हैं, ऐसा इसमें बताया गया। तो उसके खिलाफ भी डीएम्स को वर्क करना होगा और एक्शन लेना होगा कि जो प्रोवाइड हो रहा है खाना तो हर लोग तक पहुँचे, हर किसी को खाना प्रोवाइड हो सके जो अभी गवर्नमेंट दे रही है, तो इसमें यही पूरे पूरे एडिटोरियल में यही सब लिखा है। चलिए हम लोग अगला एडिटोरियल देखते हैं। बिग रिफॉर्म ऑन द रॉन्ग ट्रैक, द प्लान प्राइवेटाइजेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द इंडियन रेलवे को इम्पैक्ट मेंटेनेंस ऑपरेशन एंड वेलफेयर, कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इंडियन रेलवेज का उसके कारण काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा मेंटेनेंस में, ऑपरेशन में या वेलफेयर में, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें ये भी कहा गया है द रेलवे बोर्ड सेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनिशिएटिव वॉज टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कि प्राइवेटाइजेशन का मेन मोटिव यही था कि नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाना, मेंटेनेंस को बढ़ाना, रिड्यूस ट्रांजिट टाइम, बूस्ट जॉब क्रिएशन ज़्यादा करना, कि इनहेंस सेफ्टी प्रोवाइड करना, वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस पैसेंजर्स को प्रोवाइड करना, इन सब के लिए इसे प्राइवेटाइजेशन इसका मेन इनिशियल मोटिव यही था, इसमें ये कहा गया। इसमें यह भी कहा गया था यूनाइटेड किंगडम एंड जापान हैव प्राइवेटाइज देयर रेल सिस्टम कम्प्लीटली एंड नॉट पार्शली, नॉट मोस्ट कंट्री हैव रिटेन देयर रेल नेटवर्क फॉर पब्लिक कन्वीनियंस, कि इसमें कहा गया है जैसे यूके और जापान ने अपना पूरा रेल सिस्टम प्राइवेटाइज कर दिया है, उसे कोई ऐसी कुछ कुछ ही कंट्री बती हैं जिनमें रेल सिस्टम पब्लिक है, कि पब्लिक कन्वीनियंस के द्वारा वो पब्लिक के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ ही जगहों पर, नहीं तो बाकी कंट्री में इसे प्राइवेटाइज कर दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम
जो रेलवे बोर्ड द्वारा किया गया है, उसमें 151 ट्रेन जो उनमें से 109 रेट में जो ट्रेनें चलती हैं उनको प्राइवेटाइज करने की बात की गई है, उन्हें प्राइवेट इन्वेस्टर द्वारा किया गया है। ऑल द अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या स्टेशन सिग्नलिंग या सिक्योरिटी होती है, वो पूरा वो सब भी देखेंगे प्राइवेट ओनर जो होंगे, उस पर उनका ही पूरा हक होगा, ऐसा उसमें कहा गया है। इसको प्राइवेटाइज करने का एक और कारण हो सकता है कि वो स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड क्या कहते हैं, ट्रेन्स की स्पीड बढ़ाने के लिए भी इस किया जा सकता है, क्योंकि अगर उन प्राइवेटाइज होगा तो वो लोग अपना ट्रैक भी चेंज करेंगे, ट्रैक चेंज करेंगे करने के बाद ही कहते तो ट्रेनों की स्पीड बढ़ सकती है और सेफ्टी के साथ ही स्पीड बढ़ सकती है। चलिए हम लोग अलग से देख लेते हैं प्राइवेटाइजेशन इन ऑफ इंडियन रेलवे। इसमें बताया गया है कि 159 न्यू ट्रेन्स को क्या कहते हैं प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ऐसा इसमें क्या है। द प्राइवेटाइजेशन हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर मैनी डिकेड बाय द वर्ल्ड प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया नाउ बाय नीति आयोग। पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इसे प्राइवेटाइज किया जा रहा था, अब लेकिन नीति आयोग के द्वारा इसे प्राइवेटाइज किया जा रहा है। इसके प्रोज क्या हो सकते हैं, क्या कहते हैं एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगा कि नीति आयोग स्ट्रेटेजी है कि न्यू इंडिया इन्वेस्टिगेट मैनी टारगेट्स इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो न्यू दिल्ली में कई रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको और इम्प्रूव करना और अच्छे से बनाना, ऐसा ही कारण हो सकता है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस, की क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी प्रोवाइड करना कि उन्हें एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस क्या कहते हैं मिले, क्या कहते हैं किसी भी रेल सफ़र, कोई भी रेल जर्नी हो तो उसमें एक अच्छा क्या कहते हैं इन्वायरमेंट उन्हें मिले, तो इसलिए भी ऐसा किया जा सकता है कि उन्हें पंचुअलिटी मिले, तो उसके कारण भी इसे किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन के कारण भी कि नई नई टेक्नोलॉजी मिले, जैसे वर्ल्ड बुलेट ट्रेन आनी है, बुलेट ट्रेन बन रही है, तो उसके लिए भी हम इसे प्राइवेटाइज कर सकते हैं, ऐसा इसलिए किया गया है, इसके ये भी कारण हो सकते हैं। इसके कॉन्स क्या हैं, जो डिसएडवांटेजेस क्या हैं प्राइवेटाइजेशन के। कवरेज लिमिटेड टू लिक्रेटिव सेक्टर्स, एडवांटेज ओन दैट इज प्रोवाइड नेशनल वाइड कनेक्टेड टू ब्रिंग रीजनल डेवलपमेंट, कि ये जो लेस प्राइवेटाइजेशन के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी, इट मे ऑल्सो सम पार्ट विच इंसेंस वाई अवॉइड देम फ्रॉम प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि जो कुछ एरिया हैं ये ल्यूक्रेटिव सेक्टर जो होते हैं, जो कुछ एरिया हैं जो वहाँ बहुत कम डेंसिटी, जो कहाँ बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, जैसे हिमालयन स्टेट्स हो गए, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ भी क्या कहते हैं ये पहुँच नहीं पाएंगे, क्या कहते हैं रेल सिस्टम, ये प्राइवेटाइजेशन में ही जुड़ जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग है उसे ही इम्प्रूव किया जाए, तो इसलिए और इससे स्प्रेड नहीं हो पाएगा और वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। इसका एक कारण, इसके डिसएडवांटेज एक और हो सकता है कि इंक्रीज फेयर्स, की जो टिकट का पैसा होता है उसे बढ़ जाएगा, तो नॉर्मल इंसान कॉमन मैन के लिए ख़रीदने के लिए काफ़ी दिक्कतें होंगी, और रेल सफ़र महंगा हो जाएगा तो हर किसी को दिक्कत होगा, गरीब से गरीब हर किसी को दिक्कत होगी, ऐसा इसमें कहा गया है। इश्यू ऑफ क्रॉस सब्सिडेशन, की क्रॉस सब्सिडेशन होगा, इशू का इंक्रेस्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो पॉलिसी मेकर या रेगुलेटर्स हैं वो सब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा इंटरेस्ट के ऊपर, कि अलग अलग की प्राइवेट या गवर्नमेंट रेलवे ऑपरेशन उसके ऊपर ध्यान देने पे। सोशल वेलफेयर कंसर्न, की जो सोशल वेलफेयर कंसर्न्स होते हैं उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, NIA सीक स्टेट सीक टाइम टू रिप्लाई टू राउस बिल। जो विरारा राउस 81 जो ट्रीट, जो नानावती हॉस्पिटल में ट्रीट किए जा रहे हैं उन पर NIA का इसमें इम्पोर्टेंट आता है NIA। चलिए हम लोग NIA को देख लेते हैं। NIA एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के द्वारा लाया गया था। इसकी मेन पर्पज़ होते हैं सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी को बनाए रखना, एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बनाए रखना, और जो स्मगलिंग होती है इंडियन करेंसी उसको रोकना, इन सब पे ये वर्क करती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उसके अदर ब्रांचेस हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू में इसके हेडक्वार्टर है। NIA का जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ 2019 में, उसके बाद इसे इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी जोड़ दिया गया, करेंसी और बैंक नोट्स की जो ऑफेंसेस होती है उसको जोड़ दिया गया, मैन्युफैक्चर और प्रोहिबिटेड सेल होती है जो प्रोहिबिटेड आर्म्स की, जो हथियार की जो गैर कानूनी है उसको भी रोक देना, तो साइबर टेररिज्म को भी इसमें जोड़ा गया है, एक्सप्लोसिव सिस्टम्स का जो ऑफेंसेस होते हैं उसको भी रोकना इसमें जुड़ चुका है। इसके अंदर स्पेशल कोर्ट भी होती है जो पूरा डिसीजन लेती है उसके ऊपर, अगर कोई डिसीजन दिक्कत में आ रहा है वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहा वो स्पेशल कोर्ट, तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और वही डिसीजन फाइनल होता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, अरब होप टू मार्च टेक ऑफ फ्रॉम जापान, कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का UAE का पहला ऐसा स्पेस मिशन है जो मार्च जा रहा है, होप उसका नाम होप है, क्या कहते हैं ये जापान द्वारा क्या कहते हैं इसे
लॉन्च किया गया है। ये रेड प्लेनेट मानी मार्स के लिए पहला ऐसा है जो प्लैनेट ऑर्बिट को छोड़ेगा, प्लैनेट ऑर्बिट में जाएगा, इंटर करेगा प्लैनेट ऑर्बिट फरवरी 2021 में। तो ये पहला मिशन है, यूएई का पहला स्पेस मिशन है, इसका नाम है होप। ये आपको नोट कर लीजिएगा कहीं भी, ये पहला स्पेस मिशन होप है। चलिए अगली अगली न्यूज़ आती है, सेबी प्लान्स टू वेरीफाई मार्जिन कलेक्शन। कि सेबी जो है उसने कहा है कि वो वेरीफाई करेगा जो मार्जिन कलेक्शन होते हैं उस पर। इसमें इंपॉर्टेंट आता है सेबी, इंपॉर्टेंट क्या है सेबी। चलिए हम लोग सेबी को देख लेते हैं, आप पॉज करके वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं कि सेबी का परफॉर्म क्या होता है। सेबी सेबी जो है सेबी होता है, सेबी इज अ स्टेचुरी बॉडी होती है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1992 को, एक प्रोविजन था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था, और इसे 12 अप्रैल 1992 को एक स्टेचुरी बॉडी बना दिया गया था। इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या होता है, क्या कहते हैं। इसका हेड क्वार्टर जो है, इसका हेड क्वार्टर मुंबई में, इसके अदर जो रीजनल ऑफिस है वो अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में भी इसके हैं। जो अप्रैल 1988 को सेबी बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूटेड रेगुलर कैपिटल रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया अंडर रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये रेगुलेटर था कैपिटल मार्केट को सर्कुलेट करने का। ये उस वक्त नॉन स्टेचुरी बॉडी थी, लेकिन फिर 1992 को इसे स्टेचुरी बॉडी बना दिया गया था। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें एक चेयरमैन होते हैं और सर्वे अदर होल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं इसमें। इसमें कई कमेटी होती है जो इसके पूरे सारे मेंबर्स को अपॉइंट करती है। एक सिक्योरिटी अपेलेट ट्रिब्यूनल भी होता है जो कॉन्स्टिट्यूट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंटीज दैट फील ग्रेटेड बाई दिस सेबी डिसीजन। जो सेट होता है वो अगर कोई डिसीजन जो है वो इंटरेस्ट पूरा रखता है कि सेबी का कोई डिसीजन अगर दिक्कत में हो तो उसके खिलाफ भी वर्क करता है। सेबी में एक प्रेजिडिंग ऑफिसर भी होता है और दो में अदर मेंबर भी होते हैं। सैट में एक प्रेजिडिंग ऑफिसर होता है और दो अदर मेंबर होते हैं। इसका पावर सिविल कोर्ट के ऊपर ही होता है, जैसे सिविल कोर्ट वर्क करती है वैसे ही इसका भी डिसीजन होता है। इसके पावर क्या होते हैं सेबी के देख लेते हैं। सेबी एक क्वासी लेजिस्लेटिव और क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है जो ड्राफ्ट रेगुलेशन, कंडक्ट इंक्वायरीज एंड पास रूलिंग्स एंड इम्पोज पेनल्टीज पर ये वर्क करता है। ये सारी तीन कैटेगरी में वर्क करता है। इन फंक्शन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ थ्री कैटेगरी, इशूअर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इन्वेस्टर्स की या इंटरमीडियरीज की, इन सब की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फिल करता है। जो सिक्योरिटी लॉ अमेंडमेंट एक्ट है 2014 का, उसके बाद सेबी इज नाउ एबल टू रेगुलेट एनी मनी पूलिंग स्कीम वर्थ 20 करोड़ मोर अटैच एसेट इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। कि सेबी उसके बाद एनी कोई भी मनी पूलिंग जो इंसिडेंट होता है 100 करोड़ से ऊपर का, उसके ऊपर सेबी अपना डिसीजन देता है। सेबी का जो चेयरमैन होते हैं, सेबी चेयरमैन हैज द अथॉरिटी टू सर्च एंड सीजर ऑपरेशन। कि जो उनके चेयरमैन होते हैं उनके पास कोई भी सर्च करने का ऑपरेशन या सीज करने का ऑपरेशन होता है। सीजर बोर्ड कैन ऑल्सो सीक इन्फॉर्मेशन सच एज टेलीफोन कॉल डाटा रिकॉर्ड्स, की वो टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड भी ले सकते हैं किसी भी पर्सन का, किसी भी पर्पज़ के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कि ले सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और एक टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।